गुप्ता जी, कुछ सवाल है मेरे, मैं चाहूंगी थोड़ा ब्रीफली इसको आप समझाएं। पहला ये कि अध्यादेश कितना ये संवैधानिक है, दूसरा क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तीसरा ये जो पोस्टिंग के लिए बोर्ड बनाया है इसका अन्य राज्यों में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये अध्यादेश संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है और इसमें एक नए तरीके का लिटिगेशन चालू होगा। और जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका इस अध्यादेश में जिक्र है, और जो पुराने जो कमियां थी, जो 7th शेड्यूल में कमियां थी एंट्री 41 में, उसका क्लेरिफिकेशन भी इस अध्यादेश में है कि जो अब पब्लिक सर्विस कमीशन है वो यूपीएससी को माना जाएगा। और ये जो ऑर्डिनेंस है, अगर देखा जाए तो देश में गवर्नेंस की बेहतरी की शुरुआत की दिशा में एक मील का पत्थर हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की बजाय इसको पूरे देश में लागू करने की मांग करे, क्योंकि 2013 में TSR सुब्रमण्यम मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और उसमें उन्होंने बोला था कि नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक सिविल सर्विसेज बोर्ड पूरे देश के हर राज्य में बनाया जाए, केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी उसका चेयरमैन हो और राज्यों में चीफ सेक्रेटरी उसका हो और उसकी अनुशंसा के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग हो। तो अब जो दिल्ली में जो सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जा रहा है उसको देश के अन्य राज्यों में लागू करने की मांग की जानी चाहिए, जिससे अफसर नेताओं के इशारे पर काम करना बंद कर दें। ये पहली बात है। दूसरी कि पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राज्य सूची में भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है और यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया है और संसद से अगर इसकी मंजूरी नहीं मिली तो यह अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। इसलिए संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इसलिए अब इसमें पुराने फैसले का कंटेम्प्ट नहीं होगा, नए तरीके की पिटीशन डालनी पड़ेगी और नए तरीके से सुनवाई होगी। पहले नॉर्मल बेंच करेगी, फिर संविधान पीठ करेगी, जिसका फैसला आने में समय लग सकता है। तीसरी बात कि 2021 में एक अमेंडमेंट आया था जिसके अनुसार दिल्ली मामले में LG को ही फाइनल अथॉरिटी बताया गया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसमें मार्च में उसमें नोटिस जारी हुई है, उस पर भी अभी संविधान पीठ गठन होगा। तो कुल मिलाकर के अगले आम चुनावों तक दिल्ली के मामलों में ये जो संवैधानिक लड़ाई है, जो अदालती लड़ाई है, ये अभी लंबी चलने वाली है। और ये जो अभी ऑर्डिनेंस आया है यह संविधान सम्मत है, क्योंकि यूटी मामलों में केंद्र सरकार को संसद ऑर्डिनेंस जारी करने का, संसद के माध्यम से कानून बदलने का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता और संघवाद के हिसाब से देखा जाए तो यह गलत है।